फैमिली मेंबर्स, रेस 3 के सेट से बहुत ही अनप्लीजेंट हमें खबर पता चली थी बात कि जैकलीन फर्नांडिस जो हैं घायल हो चुकी हैं और उनकी आंख से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। बता दूं आपको क्या हुआ था। दरअसल जैकलीन फर्नांडिस रेस के सेट में स्क्वाश खेल रही थी और बॉल अनकंट्रोल्ड हो गई और बॉल आके उनकी आंख को हिट कर गई, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही थी। उन्हें आनंद फानंद में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा है जब तक कि रिकवरी नहीं हो जाती। अब दोस्तों बहुत सारी अटकलें सामने आ रही थी। खबर ये आ रही थी कि शायद रेस 3 की शूटिंग जो है वो रुक जाएगी। ये भी खबर आ रही थी कि 24 मार्च को द बैंक जो टूर हो रहा है वो भी कैंसिल हो जाएगा या फिर जैकलीन रिप्लेस हो जाएंगी। अब दोस्तों इस बात का पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन दिया है मिस्टर रमेश तुरानी ने, द प्रोड्यूसर ऑफ रेस 3। उन्होंने ये बोला है कि जैकलीन को हाँ लगी थी, लेकिन उनको जो बेसिक जो प्राइमरी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं वो दे दी है, अब शी इज़ नॉर्मल और वो शूटिंग रिज्यूम कर रही हैं। साथ ही साथ रमेश तुरानी जी ने ये भी कहा है कि 24 तारीख को जो द बैंक टूर हो रहा है उसका जैकलीन हिस्सा होंगी। तो ऑल यू क्रेजी फैमिली मेंबर्स जो कि जैकलीन के बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, अगर आपको लग रहा था कि जैकलीन फर्नांडिस बहुत सीरियस है ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जैकलीन बैक टू नॉर्मल हो गई हैं। आई गेस आप लोगों के प्यार, आप लोगों की जो दुआएं हैं उसकी वजह से जैकलीन ने काम संभाल लिया है। अब इस बात को लेकर आपको क्या है कहना, जैकलीन जब वापस आ रही हैं 24 तारीख को द बैंक टूर करने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल है, क्या कहना चाहेंगे, सारी बातें कमेंट सेक्शन में बोल डालो बॉस। एंड फिल्मी अपडेट्स के लिए कहीं ना जाना, सीधा यहाँ आना, फिल्मी आ रहा राहुल भोज के पास।